सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त और इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे कि आप अपने सोनी अल्फा कैमरा से आप XYZ कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हो, उस कैमरा से आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि जो आपको इंस्टॉल करना अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है जो कि इमेजिंग एज ऐप। तो अगर आप एक iOS यूज़र हैं, यानी आपके पास एप्पल का मोबाइल फ़ोन है, और अगर आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे वो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में फिर हमें जाना है हमारे कैमरा के तरफ। तो गाइस अब हम लोगों को कैमरा मेन्यू में जाना है और अभी मैं कैमरा मेन्यू पे आ चुका हूँ और कैमरा का मेन्यू आपको नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे मुझे नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाकर के सेंड टू स्मार्टफोन वाले फंक्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेंड टू स्मार्टफोन पे आऊँगा तो मुझे सेंड टू स्मार्टफोन के नाम से एक और ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर मुझे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑन डिवाइस और सिलेक्ट ऑन स्मार्टफोन। तो अगर आप स्मार्टफोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो मोबाइल का गैलरी है, सॉरी आपके जो कैमरा का गैलरी है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। और अगर आप सिलेक्ट ऑन दिस डिवाइस करोगे तो आप कैमरा में ही अपनी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी वीडियोज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो वॉट एवर ऑप्शन यू वांट आप उसे चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑन डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही करूँगा मेरे को ऑप्शन आएगा दिस इमेज, ऑल डेटा और मल्टीपल इमेजेस। सो मैं मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करना पसंद करता हूँ। दिस इमेज का मतलब एक सिंगल इमेज और ऑल डेटा मतलब जितना भी मेमोरी कार्ड में डेटा है वो सब आपके स्मार्टफोन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं मल्टीपल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो है मेरी वीडियोस दिख रही हैं, राइट। और तो मैं यहाँ पे वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो वीडियोस मुझे ट्रांसफ़र करनी है। स्टिल इमेज होगी तो वो भी, जैसे स्टिल इमेजेस हैं, ये भी स्टिल इमेज पे भी मैं ओके करना पड़ता है आपकी इमेज के ऊपर आकर के, तो फिर वो टिक मार्क लगने लगता है और जो है फाइल सिलेक्ट होना स्टार्ट करती है। तो अब मैंने यहाँ पे ओके करके ये कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं। अब अगेन मैं मेन्यू पे हिट करूँगा, मेन्यू के बटन को प्रेस करूँगा, फिर ऑप्शन आएगा एग्जीक्यूट का। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करना ज़रा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक QR कोड जनरेट हो जाएगा मेरे कैमरा की स्क्रीन पे। अब काम है मोबाइल फ़ोन का, तो अब मोबाइल फ़ोन पे हम लोग आते हैं। मोबाइल फ़ोन पे मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इमेजिंग एज मोबाइल। इमेजिंग एज मोबाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। फिर मुझे यहाँ पे आना है कनेक्ट विथ ए न्यू कैमरा। मुझे यहाँ पे शो करेगा स्कैन QR कोड और आपके पास एक पासवर्ड वाला यूज़ कैमरा पासवर्ड, राइट। सो अगर आपके फ़ोन में जैसे आप स्कैन QR कोड करेंगे तो आपको जो QR कोड है वो स्कैनिंग वाला ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएगा और जो आपका कैमरा है वो आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट समटाइम होता है कि कुछ मोबाइल फ़ोन से नहीं कनेक्ट होता है QR कोड से। मेरे भी कुछ फ़ोनों में पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं कि डायरेक्ट QR कोड से कभी कनेक्ट नहीं हुआ। इन दैट सिचुएशन मैं क्या करता हूँ, मेरे कैमरा को वाईफाई वाले सेटिंग्स पे सेट कर देता हूँ, जिससे मुझे QR कोड की जगह मेरा कैमरा जो है वो पासवर्ड शो करता है कैमरे का। सो मैं इस डिलीट के बटन को प्रेस करूँगा तो जो मेरा कैमरा है मुझे वो पासवर्ड वाले ऑप्शन की तरफ ले जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली अपने वाईफाई सेटिंग्स में जा कर के और सिलेक्ट कर सकते हो डिज़ायरेबल वाईफाई नेटवर्क को। तो मैं यहाँ पे जो कैमरा का डिज़ायरेबल वाईफाई नेटवर्क है उसे कनेक्ट कर लेता हूँ और ऑलरेडी मैंने इसे कनेक्ट भी किया, पहले ही पासवर्ड डाला हुआ है इसके अंदर, राइट। अब मैं वापस जाऊँगा मेरे मोबाइल फ़ोन में इमेजिंग एज स्टूडियो पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट का बटन। जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा मेरी फ़ोटोज़ और वीडियो जो है वो इसमें कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आप वीडियो उसको कॉपी कर रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन में, वो वीडियोज़ का जो फॉर्मेट है वो XAVC फॉर्मेट ही होना चाहिए, उसी पे वो शूट होनी चाहिए। अगर आपने AVC HD पे शूट कर दिया होगा तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो वाली सेटिंग्स में फाइल फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने XAVC HD रखा है तो ही फाइल जो है वो ट्रांसफ़र होंगी, और अगर आपने AVC HD रख दिया है तो फिर वो फाइल आपके मोबाइल पर कभी ट्रांसफ़र नहीं होगी। डायरेक्ट वाईफाई के फीचर से आपको वो मेमोरी कार्ड लगा करके फिर कॉपी करना पड़ेगा। तो आपके XAVC जो है फाइल होनी चाहिए, तभी आप फाइल को ट्रांसफ़र कर पाओगे वायरलेसली अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो ये चीज़ एक छोटी सी जो है वो ध्यान रखनी पड़ती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही में आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे artlist.io के लिंक, आप जाकर के चेकआउट करिएगा। आपको फ्री में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है म्यूज़िक का, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक का, और वो मेरे लिंक के थ्रू ही पॉसिबल है। तो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और साथ में मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।